वक्त रुख्सत शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा से जो फरियाद की, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। हुसैना का हुआ शोर हरम में बरपा, हो के रुख्सत जो चले घर से शह कर वो बला। अरे कह के ये दौड़ी सकीना के ठहर जाओ जरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो शहने बच्चे का जो ये हाल परेशान देखा, रो के फरमाया के क्या हाल मेरी माँ हलका। अरे जोड़ एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, बाबा सीने पे सकीना को सुलाते जा, बताते जाओ तुमको अकबर की कसम गुलचा दहन का सदका, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। अरे सोचती हूँ के तमाचे कोई मारे ना मेरे गोशवारे
कोई कानों से उतारे ना मेरे वहम आते हैं मेरे दिल में न जाने क्या क्या एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा अब न प्यासी हूँ न पानी की जरूरत है मुझे कोई हाजत नहीं बस इतनी सी हसरत है मुझे देख लूं सिर्फ मैं जी भर के तुम्हारा चेहरा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा तुम न आओगे तो बाबा बहुत रोऊंगी किस किसने बता दीजिए फिर सोऊंगी ना तो भैया अली अकबर है ना बास चचा एक बार मुझे गोद में ले लो बाबा मेरी मतदारों से गुजारिश है नामा को शहादत मुकम्मल पढ़ने दें इंशाअल्लाह सब मिलकर मातम करेंगे पहले गिरिया करेंगे और फिर उसके बाद जंजीर जनी और मातमदारी करेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह ला माबूदा सिवाक या गयासल मुस्तगीसीन हुसैन सुबह आशूर से असर आशूर तक लाशें उठा चुके हबीब का लाशा मक्तल से लाकर गंजे शहीदा में रख दिया जहर का लाशा जहरा के बच्चे ने उठा लिया आबिस और शौजब के जनाजे करबला के मक्तल से हुसैन उठा लाए लाशें तो बहुत उठाए
मगर चार लाशों पर हुसैन बहुत रोए। पहला लाशा जिस पर हुसैन मौला के आंसू थमते नहीं थे, वो लाशा कासिम का लाशा। दूसरा लाशा जिस पर हुसैन मौला की आंखों का नूर चला गया, वो अली अकबर का लाशा। तीसरा लाशा जिससे हुसैन की कमर टूट गई, वो अब्बास का लाशा। चौथा लाशा जो छोटा बहुत था मगर हुसैन से उठता नहीं था, कभी अली असगर का लाशा लेके आगे जाते थे, कभी मेरे मौला उल्टे पैर वापस आ जाते थे। अजादारो करबला आशूर का सूरज सुबह से असर तक क्या क्या देखता रहा, वो हुसैन जो सबके लाशें उठा उठा कर गंजे शहीदा में लाते रहे। रोने वालों उसका लाशा उठाने वाला अजरुकुम अल्लाह। अब करबला का मैदान मेरे मौला ने खैमों के दरमियान खड़े होकर आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनब। या उम्म रबाब, या उम्म लैला, या सकीना। बीबियों ने मौला को एक बड़े हलके में लिया। जब तक हुसैन जिंदा थे ज़ैनब कुबरा को तसल्ली थी हमारा मौला जिंदा है। अब्बास गए, ये हौसला रहा कि अभी हुसैन हैं। अली अकबर गए, ये तसल्ली रही कि अभी मौला हैं। लेकिन अब हुसैन जाने को तैयार। अजरुकुम अल्लाह, मेरे मौला ने जुलजना के करीब आकर दाएं बाएं देखना शुरू किया। दरे खैमा पे खड़ी बहन को एहसास हुआ, भाई को अब्बास याद आया, भाई को अली अकबर याद आ गया। मेरी बीबी ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम थामी, भैया अभी ज़ैनब जिंदा है। अपने भाई को मेरी बीबी ने सवार किया। मेरे मौला का घोड़ा जुलजना कुछ रफ्तार उसकी तेज हुई। मौला अभी खैमे से बाहर निकलकर घोड़े पर बैठकर चले ही थे कि कान में आवाज आई जैसे कोई पीछे दौड़ता आ रहा है। मुड़ कर देखा तो बहन ज़ैनब महलन महला, यबना ज़हरा, ऐ मेरे माँ जाए आहिस्ता आहिस्ता। मेरे मौला ने घोड़े की पुश्त को छोड़ दिया। जनाबे ज़ैनब के करीब आए, बहन तुमसे रुख्सत ले ली थी, भैया एक मर्तबा और जी भर के देखने ले दो। मेरे मौला ने जनाबे ज़ैनब कुबरा से उमूर इमामत को
तफवीज फरमाया और फिर हुसैन घोड़े पर बैठ के रवाना हुए। मैदान करबला में पहुंचे, मैमना मैसरा कल्बे लश्कर को देखा और यह आवाज देकर कहा, इनका ना दीन मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फया सुयूफ खुज़ीनी, अगर दीन मुहम्मद मेरे कत्ल के अलावा बचने वाला नहीं है तो तलवारों आओ मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो। अजरो कमल अल्लाह, आज आशूरा है। मैं अजादारों से एक इल्तजा और करूंगा, मजलिस अजा के बाद एक दूसरे से अगर मिलना भी है तो गले मिलकर पुरसा देना है। जैसे हमारे लिपट लिपट के खूब रो, इसलिए कि कुछ देर बाद सकीना को रोने पर ताजियाना मारा जाएगा, कुछ देर के बाद जैनब को रोने पर ताजियाना मारा जाएगा। कूफे का एक रिहायशी मुसाफिर कई महीनों बाद, 6 महीने बाद कूफे में दाखिल हुआ। क्या देखा, कूफे के बाजार बंद हैं, चहल पहल नहीं है, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, कोई मर्द दिखाई नहीं दे रहा। परेशान घर में दाखिल हुआ, बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। बेटी से पूछा, बेटा बताओ कूफे वाले कहाँ चले गए? कहा, बाबा कुछ फासले पर एक बयाबान है जैसे करबला कहते हैं, वहाँ एक बागी ने खुरूज किया है। हाकिम का ऐलान है, अगर बागी को मारने कूफे वाले न गए तो सजा दी जाएगी। बाबा आप जल्दी घोड़ा तैयार कीजिए और उसे बागी को मारने के लिए जाइए। अब्दुल्ला ने कहा, बेटा उस बागी का नाम क्या है? कहा, बाबा नाम नहीं बताया गया। अब्दुल्ला घोड़ा तैयार करके रवाना हो रहा है, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी। एक मरतबा बेटी ने रुख्सत करते हुए कहा, बाबा जंग पर जा रहे हैं ना? अब जो जुमला मैं कहूंगा दिल चीरने वाला जुमला है, बाबा आप जंग पर जा रहे हैं ना, और जंगों में माले गनीमत भी मिलता है। आज़ादारो ये कैसी जंग थी जिसमें ज़ैनब की चादर माले गनीमत में चली गई। नीमत में अगर अकीके यमनी मिल जाए तो मेरे लिए यमनी पत्थर ले आइएगा, मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अफीफ अज़दी कहता है कि मैं घोड़े पर बैठकर रवाना हुआ, जब करबला पहुंचा तो असरे आशूर का वक्त था। मैंने देखा एक 56 साला बूढ़ा जख्मी जिसका अमामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया, हर शख्स उसे मारना चाहता है। अजरो कमल अल्लाह, बैठे रहिए, मुझे मसाइब पढ़ने दीजिए, बैठ जाइए। अब्दुल्ला कहता है, मैंने देखा एक 56 साला बूढ़ा जख्मी है कि जिसे हर शख्स मारना चाहता है। एक भागते हुए सिपाही से मैंने कहा, ये अकेला है तुम इससे डरते क्यों हो? कहने लगा, तुम्हें नहीं पता इसके एक भाई का नाम अब्बास था। कहता है, मैं फिर नहीं समझा ये कौन है, मगर मुझे ये पता था कि इसे मार दूंगा तो जंग ठंडी पड़ जाएगी। मैं उनके घोड़े के करीब गया, एक मरतबा उन्होंने मुझे देख कर कहा, अब्दुल्ला करीब आओ। मैं घबराने लगा, ये कौन है जो मेरे नाम से जानता है? मैं आगे ना बढ़ा तो उन्होंने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा, ये अकीक़े यमनी है, अपनी बेटी को जाके दे